कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से यदि अपने को कोई प्रश्न बनता हो तो उसको हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग अभी अभ्यास दो के स्टेप 7 पे डिस्कशन कर रहे थे। जी, अभ्यास दो में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का स्टेप 1 में अभ्यास किया। उसके बाद मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। फिर ये भी देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मेरा है। फिर स्टेप 4 में हमने देखा था कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। स्टेप 5 में हमने ये देखा था कि जो भी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है उसमें मैं कुछ अर्थ दे रहा हूँ, और जो अर्थ दे रहा हूँ वो या तो मान्यता पर आधारित हो सकता है या समझ पर आधारित हो सकता है। यदि मान्यता पर आधारित होता है तो मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, समझ पर आधारित होता है तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ। फिर स्टेप 6 में हमने अपने प्रतिक्रिया और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह पर ध्यान किया था। अब स्टेप 7 में हमने एक मेजर शिफ्ट लिया। अभ्यास 3 का बेसिकली एक तैयारी है, जहां हमने अपने आप को शून्य में देखने का, शरीर को शून्य में देखने का, और मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको शून्य में देखने का अभ्यास किया, और उसको लेकर ही हम लोगों ने कुछ चर्चा भी की। लेक्चर 17 में हमने अस्तित्व किस प्रकार से अस्तित्व है इसका अध्ययन किया था। हमने देखा था कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है, और उसी को स्टेप 7 में अब अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं अस्तित्व में हूँ, शरीर अस्तित्व में है, अस्तित्व में बने रहते हुए मैं शरीर के साथ आदान प्रदान कर रहा हूँ। अब ये बात थोड़ी दूर की लग सकती है, परंतु जितना जितना इसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे अभी तक जितना हमने अध्ययन किया उसमें और स्पष्टता बनेगी। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसे देखने का अभ्यास कर रहे हैं। जब मैं इस बात को देख पाता हूँ कि मैं शून्य के अस्तित्व में हूँ, मुझे ये भी दिखता है कि मेरा होना किसी भी अन्य इकाई पे आश्रित नहीं है, तो मुझे सत्य क्या ज्ञान होता है। अस्तित्व सहस्तित्व है ये देख पाना सत्य क्या ज्ञान है। मैं साथ में ये भी देख पाता हूँ जब मैं सहस्तित्व में अपने आप को पाता हूँ कि मैं सबसे संबंधित हूँ, मेरा हर एक मानव के साथ संबंध है, प्रकृति की हर इकाई के साथ संबंध है, इसको प्रेम का भाव का। और जब मैं इस बात को देख पाता हूँ, संबंध को देख पाता हूँ, तो सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी देख पाता हूँ, इसे करुणा का। तो मेरे अंदर सत्य क्या ज्ञान होता है जिससे प्रेम का भाव मेरे में स्थापित होता है, करुणा का भाव मेरे में स्थापित होता है, और मैं सत्य प्रेम और करुणा के भाव के साथ जीता हूँ। परंपरा में सत्य को जानने का बहुत सारा प्रयास किया गया है, बहुत सारे प्रस्ताव आए, बहुत सारे प्रतिपादन किए गए। अगर मूल आशय देखें तो हम सभी सत्य को ही जानने का अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे। दूसरों के साथ कैसे हम ठीक ठीक जी पाए, तो हमारे अंदर कैसे प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। तो मूल मुद्दा तो इतना ही है कि सत्य क्या ज्ञान हो जाए, सबके साथ हमारे अंदर प्रेम का भाव हो और सबके प्रति करुणा के भाव के साथ हमारा जीना हो। इसी को अभी हम क्रमशः अपने आप में देखने का, समझने का तैयारी कर रहे हैं। पहुंचना यही है जी। इतनी बात को लेकर जिन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक एक शब्द जो आ रहे हैं उसका अर्थ अपने को स्पष्ट हो। शून्य क्या है, इकाई क्या है, चैतन्य इकाई क्या है, जड़ इकाई क्या है, विचार में स्पष्टता बनता है, हम इनका विश्लेषण ठीक से कर पाए, शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो एक अनुशासित विधि से कर पाए, ताकि जो भी वास्तविकता उसको ठीक ठीक इंगित किया जा सके। उसको लेकर जो प्रश्न आए थे उसमें ऐसा दिखा कि अभी इन प्रश्नों के सही सही प्रयोग को भी और अपने को ठीक से समझने की जरूरत है, इनके अर्थ को भी और ठीक से विश्लेषित करने की जरूरत है। भैया, मेरा क्वेश्चन एनर्जी वाले पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे हमने फिजिकल यूनिट में समझा कि देयर इज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ का भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी, सीक्वेंस देखा, तो जो एनर्जी है, एनर्जी अगर हम फिजिकल यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क या ट्रांसफर, और वर्क जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ सेल्फ की
सेल्फ को भी हम कई जगह पे हमने एनर्जी की टर्म्स में सुना है, तो इन दोनों एनर्जीज की जो डिफरेंसेस हैं वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। जी तो देखिए, जो एनर्जी हम लोग अध्ययन करते रहे हैं वो तो फिजियोकेमिकल एनर्जी है, जो जड़ इकाइयों की ऊर्जा होती है। तो उसमें फिर कार्य की बात करते हैं, फिर हम किसी भौतिक रासायनिक वस्तु के गति की स्थिति की बात करते हैं, और फिर उसके अर्थ में हम ऊर्जा को पहचानने जाते हैं। तो उसमें भी हम ऊर्जा को समझते नहीं है, ऊर्जा में कैसे घटना बढ़ना होता है उसको पहचानते हैं। तो अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं या जो प्रचलित विज्ञान है उसमें जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वो भौतिक रासायनिक ऊर्जा है, जड़ ऊर्जा है। मैं चैतन्य इकाय हूँ, मुझ में भी ऊर्जा है, आप चैतन्य इकाई हैं, आप में भी ऊर्जा है ना। इसी ऊर्जा के साथ तो हम विचार करते हैं, हमारे अंदर भाव होते हैं, कभी उलझन में होते हैं, कभी समाधानित होते हैं। तो चैतन्य में भी ऊर्जा है। इसको अभी हम करेंट जो प्रिवेलेंट साइंस है उसमें नहीं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बट किसी रूप में बात करते हैं, भले उसको एनर्जी नहीं कहते हैं बट किसी रूप में बात करते हैं। तो हम मानव की बात तो करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो किसी रूप में करते हैं, भावों की बात करते हैं। तो उसको भी ऊर्जा के रूप में हम देख सकते हैं, तो वो भी ऊर्जा है, मेरे अंदर भी ऊर्जा है, मेरे शरीर में भी ऊर्जा है। तो शरीर में जो ऊर्जा है भौतिक रासायनिक ऊर्जा है, मुझ में जो ऊर्जा है वो चैतन्य ऊर्जा है, और जो शून्य है शून्य भी ऊर्जा है, शून्य साम ऊर्जा है। मुझ में जो ऊर्जा है उसमें घटना बढ़ना होता है, शरीर में जो ऊर्जा है या अन्य पदार्थ अवस्था की इकाइयों में जो ऊर्जा है उसमें घटना बढ़ना होता है, परंतु शून्य में कुछ घटना बढ़ना जैसा नहीं, क्योंकि शून्य क्रिया शून्य है, तो साम्य ऊर्जा है। तो जिस आधार पर इकाइयां ऊर्जित बनी रहती हैं उसको साम्य ऊर्जा कहा। तो मैं अपने आप में क्रियाशील हूँ, है ना, मेरे जिस आधार पर मैं क्रियाशील हूँ, नियंत्रित हूँ, उसको साम्य ऊर्जा कहा। भैया जो एक और क्वेश्चन है कि जो शून्य में जो एनर्जी है जिसको हम कह रहे हैं साम्य है, वो किस वो फिजिकल टाइप है या कॉन्शियस टाइप है? दोनों ही नहीं, आधार है, एनर्जी क्रिया शून्य है। जैसे इसको आप देखें तो आप बने हुए हैं, ठीक है ना, तो आपका बना हुआ होना भी तो एक वास्तविकता है ना, बने हुए है ना, आप क्रियाशील हैं, होते हुए आप क्रियाशील, आप हैं, होने के साथ आप क्रियाशील हैं, तो होना भी एक वास्तविकता है। तो हम होते हुए जो क्रियाशीलता करते हैं उसको तो हम पहचानने का समझने का प्रयास करते हैं, बट होने को हम कहते हैं ये तो है, इसमें क्या बात करें, तो नॉर्मल सी बात है, नेचुरल बात है, इसमें क्या बात करें, तो है ही, प्रकृति है ही, इकाइयां है ही। तो जो होना है इसको हम कई बार अंडरमाइन कर देते हैं, और जो परस्परता में भागीदारी है उसको हम स्टडी करते हैं, बट जब होने को भी हम देख पाते हैं किस प्रकार है, तो मुझे शून्य का होना भी दिखाई देता है, शून्य में बने रहते इकाई का होना भी दिखाई देता है। तो इकाई ऊर्जित है और इकाई बनी हुई है, इकाई का बने रहना भी तो एक ऊर्जा है, किस आधार पर, शून्य बने रहते हुए। जी मतलब मैं इसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में तो समझ पा रही हूँ, बट जिसे वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही कि जैसे शून्य में भी हमने बोला एनर्जी है, बट वो एनर्जी इक्विलिब्रियम में है तो वो कैसे हेल्प कर रही है, मतलब कैसे हमारी कोएग्जिस्टेंस में हमारे एनर्जीज को हेल्प कर रही है फिजिकल और कॉन्शियस। ठीक है ना, अब इसको हम ध्यान देना शुरू करें। अभी तो क्या है, हमारा जो अभ्यास है पहले तो जड़ इकाइयों को देखने का है, जड़ इकाइयों में जो घटना बढ़ना है उसको देखने का है। तो जैसे पौधा बढ़ गया, तुमको दिखाई देता है कि पौधा बढ़ गया, पौधा एक ही प्रकार से बना रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर जाते हैं। तो अभी हमारा ज्यादातर जो अभ्यास है जड़ इकाइयों में जो परिवर्तन होता है उसको देखने का है, जड़ इकाई को भी ठीक से देखने का नहीं है। उसके आगे हम बढ़कर चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं कि चैतन्य को भी देखें, अपने आप को देखें। एक शिफ्ट तो हमें यहाँ मिलता है जब हम जड़ से आगे बढ़कर चैतन्य को देखने का अभ्यास करते हैं, चैतन्य की क्रिया क्रियाशीलता को देखते हैं। अब एक और शिफ्ट की बात हो रही है जब हम शून्य को देख पाए। तो चूंकि
अभी हमारा पूरा जो कल्पनाशीलता है वो मोर और लेस केंद्रित रहता है जड़ इकाइयों पे, उसमें भी जो रूप गुण परिवर्तन हो रहा है उस पे, इन चीजों को देखना हमें कल्पनातीत लगता है कि उसको कल्पना में भी कैसे लाएं, क्योंकि पूरी कल्पनाशीलता हमारी केंद्रित कहाँ है, जड़ इकाइयों के रूप गुण परिवर्तन पर। तो वहां से शिफ्ट लेते हैं हम जब चैतन्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा और ध्यान जाता है, मगर वहां पे भी देखिए तो कन्फ्यूजन बना रहता है कि कैसे जाने कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो वो हमारे अंदर कन्फ्यूजन बना रहता है। वैसे ही जब यहाँ से और आगे शिफ्ट लेकर शून्य को देखने का अभ्यास करते हैं, शून्य को देखने जाते हैं, तो और थोड़ा सा लगता है कि इसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गया। परंतु शून्य को भी हम किसी रूप में देख रहे हैं, अगर हम दो इकाइयों के बीच में दूरी को देखते हैं तो पता तो लगता ही है, हम कहते हैं दो इकाइयां अलग अलग हैं, दो हैं, जब से हम दो कह रहे हैं मतलब एक और एक के बीच में दूरी है, उसको तो हम देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तभी तो हम दो कह रहे हैं। तो हम शून्य को किसी रूप में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, बट अभी उसके इकाइयों के सापेक्ष ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दूरी को हम कहाँ पहचान रहे हैं, दो इकाइयों के रूप के अर्थ में, कि दो इकाइयों का रूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि दूरी है बीच में, यानी कि स्पेस है बीच में, ऐसे हम देख रहे हैं। तो चूंकि हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन का अभ्यास जड़ इकाइयां उसके रूप गुण परिवर्तन को देखने का है, तो हम अभी वहीं से देखना शुरू करते हैं। चलिए दूरी को देख लेते हैं, आगे और जाते हैं तो विश्लेषण पूर्वक हम उसके परस्परता प्रभाव को भी देख लेते हैं। बट जब इन इकाइयों के साथ ही हम संबंध देख पाते हैं, व्यवस्था देख पाते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि इसका आधार क्या है, कैसे दो इकाइयां संबंधित हैं, कैसे दो इकाइयां इतने निश्चित प्रकार से बनी हुई हैं और परस्परता का निर्वाह कर रही हैं। तो वहां फिर हमारी जिज्ञासा जब और पुष्ट होती है, हम उसको और ऑब्जर्व करते हैं तो शून्य भी दिखाई देता है। शून्य दिखाई देता है तो फिर संपूर्णता में दिखाई देता है, फिर शून्य में सारी इकाइयां संपर्क दिखाई देती हैं। ये सारी इकाइयां शून्य में बने रहते हुए ऊर्जा संपन्न है, क्रियाशील है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, नियंत्रित है, सारा क्यों दिखाई देता है। जी जी भैया, भैया एक और क्वेश्चन है कि जो हम नियम की बात करी थी, एक कि नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग घटनाएं होती हैं, तो ये जो फिजिकल यूनिट कॉन्शियस यूनिट है, इनके जो नियम है वो भी डिफरेंट है। देखिए नियम मूलतः क्या है, तो संबंध है, व्यवस्था है, अस्तित्व है, तो हमको ये भी दिखाई देता है कि संबंध तो बना हुआ है, बट पदार्थावस्था एक प्रकार से संबंधित है, प्राणावस्था दूसरे प्रकार संबंधित है, जीव अवस्था तीसरे प्रकार संबंधित है, ज्ञान अवस्था चौथे प्रकार संबंधित है। तो संबंध नियम है, परंतु अवस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार से इनका संबंध बना हुआ है। तो जैसे स्वभाव को हमने अध्ययन किया था, तो पदार्थावस्था का एक प्रकार का स्वभाव है, वो संबंध ही है, परंतु अवस्था के अनुसार स्वभाव एक प्रकार का बना हुआ है। प्राणावस्था में पदार्थावस्था शामिल है, तो पदार्थावस्था का स्वभाव तो है ही, साथ में कुछ और इसमें जुड़ जाता है। तो नियम मूल रूप में क्या है, उससे अस्तित्व है। उसको फैला कर देखें तो तीन भाग में दिखाई देता है, संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व। सहस्तित्व मूल है। उसको और फैला के देखें तो चारों अवस्थाओं में जो स्वभाव है, जो धर्म है, उस रूप में दिखाई दे रहा है। तो नौ मुद्दे दिखाई देते हैं कि नहीं। जी जी भैया, थैंक यू। ये है सारा नियम ही, जो भी ज्ञान की वस्तु है वो है नियम। नियम मतलब जो निरंतर है, सार्वभौमिक है, निश्चित है, उसको नियम कह रहे हैं। घटना मतलब जो परिवर्तन हो रहा है उस नियम के आधार पर। ओके ठीक है भैया, थैंक यू भैया। सर जैसे कल ऑब्जर्वेशन में किसी ने, शायद मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कहा कि जब मैं एकांत एक स्थिति में गया और सेल्फ और बॉडी में मैंने डिफरेंस देखा, सर वो फीलिंग मैंने कल खुद में भी देखी कि जो चैतन्य है, चैतन्य ने अगर इससे जड़ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करा तो वो एक सॉलिड फॉर्म में मेरे को नजर आ रहा था कि बॉडी है ना, बिल्कुल एक स्टिफनेस आ गई थी बॉडी में, तो वो नजर, वो फिर वो का संपर्क भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि हाँ संपर्क भी नजर आ रहा है, व्यवस्था भी बनी हुई नजर आ रही है। जब वो उस अवस्था में मैं वापिस आ रही हूँ, सेल्फ को बॉडी के साथ टच कर रही हूँ, तो फिर मेरा बॉडी फंक्शन कर रहा है, अदरवाइज वो बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा था। ये तो फील मैंने कल कम से कम 15-20 मिनट में देखा, और फिर वो स्टिफनेस मेरे माइंड में भी आ रही है,
और वो हार्डनेस और मटेरियल का फीलिंग हो रहा था मेरे को कि हाँ बॉडी एज अ मटेरियल ही है हमारे पास, और वो व्यवस्था और सह अस्तित्व धीरे धीरे कॉन्शियस जब उसके साथ टच हो रहा है और उसको संकेत दे रहा है हाँ बॉडी है, तो उसमें व्यवस्था बनाए रखने वो अस्तित्व भी मेरे को फील हुआ कल। ये दो मैंने जो एक्सरसाइज करी वो मेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपना, क्योंकि मेरे से पहले जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर करा था उन्होंने कहा कि मैं झाड़ियों में लेट गया और ऐसे, और तो मैं कहा मैं भी ये एक्सपीरियंस करके देखूं, पर उसमें ये व्यवस्था अस्तित्व सब कुछ और मटेरियल हर चीज मेरे को फील हुआ। जी बहुत अच्छा दीदी, इसको और बारीकी से ऑब्जर्व करें तो अच्छा है। एक तो अच्छी बात यह है कि आप सतत ध्यान दे रही हैं और आपका ध्यान के मुद्दे भी यही बने हुए हैं, है ना, जो हम लोग कंटेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत उपलब्धि की बात है। इसको क्रमशः हम और आगे और बारीकी से देखते जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। मैं और शरीर के अस्तित्व को हम देखें, मैं और शरीर को दो अलग वास्तविकताओं के रूप में देखें और आगे बढ़कर फिर हम इनको शून्य में भी देखें। जी तो शून्य में भी मेरे को ऐसे फील हुआ जब मैंने अपने चैतन्य को अवेयर करा तो हवा भी फील हो रही है और फिर आवाज भी आने लगी इधर उधर से, पर जब मैंने अपने आप को अलग करा तो वो स्टिफनेस बॉडी की मटेरियल एज अ मटेरियल है वो फील हो रहा था। उतना हार्ड है हम लोगों का बॉडी, अगर वहां से चैतन्य निकल जाता है तो वो एक जैसे कहते हैं ना डेड बॉडी है, उस तरीके से फील भी करके देखी मैंने। ये जो स्टिफनेस आप कह रही हैं, इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, स्टिफनेस किसको कह रही है, क्योंकि दोनों ही तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। एक तो जैसे शरीर जब मुझे जड़ दिखाई देता है और मुझे स्वयं से भिन्न दिखाई देता है, उसको भी स्टिफनेस कह सकते हैं। परंतु यदि इस जड़ इकाई को ही बारीकी से देखें, देखिए कोशिका में जो कंपन दिखाई देता है, जो क्रिया दिखाई देती है, तो उसके आधार पर शरीर पूरा घुला हुआ भी दिखाई देता है। ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन है। तो उसका हम ब्लड अपने आप सर्कुलेशन तक में तो मैं पहुंच गई थी, सर बहुत भारी हो गया था, बिल्कुल ऐसे डर जी लग रहा था कि कहीं मैं भाई वो छोड़ी ना तो बॉडी, तो फिर इसलिए मैं वापस पोजीशन में आई। तो मैं कहा ये व्यवस्था तो हम लोग की अस्तित्व में बनी ही है। हाँ ठीक है ना। देखिए उसको बहुत जोर ना लगाए, अच्छी बात यह है कि आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रही हैं, दिन में समय लगा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बट उसको बहुत जोर ला के ना देखें, नहीं तो फिर आपके शरीर के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, ये पॉसिबल है। सर लग रहा था वो उस टाइम मेरे को ऐसे, मैं कहा ज्यादा करने से हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन भी कहीं ब्रेकअप हो सकती है, क्योंकि जी देखिए तो सर बहुत भारी हो गया ना एकदम से, फिर मैं कहा नई पोजीशन में वापिस आऊ, मैं वही बैठा रहेगा। बढ़िया दीदी, धन्यवाद। प्रश्न है चैट बॉक्स में, इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि सत्य प्रेम करुणा इनका कोई सीक्वेंस है या तीनों ही एक साथ इनिशिएट होते हैं। तो जीने के क्रम में ये होता है कि हमारे अंदर भाव स्थापित हो जाते हैं, तो जैसे जैसे हम जांचते हैं तो चिंतन में हमें सही भाव स्थापित होते जाते हैं। तो प्रेम का भाव स्थापित होता है, करुणा का भाव स्थापित होता है, परंतु इसकी पूर्णता होती है सहस्तित्व के अनुभव के साथ, यानी सत्य के दिखने के साथ। तो क्रम में देखें तो पहले ये सही भाव हमारे अंदर स्थापित होते हैं, प्रेम का भाव, करुणा का भाव। फिर जब हम सहस्तित्व को अनुभव के क्रिया में देख पाते हैं, उसके साथ इनकी पूर्णता होती है। उससे पहले सहस्तित्व के अनुभव के अभाव में ये भाव तो हमारे अंदर रहते हैं, परंतु इनमें पूर्णता नहीं होती। ये क्रम दिखाई देगा। तो नीचे से ऊपर जाते हुए चिंतन में ये भाव स्पष्ट हुए, हम सत्य को देख पाए और सत्य के साथ फिर ये भाव हमारे पूर्ण हो गए, इस क्रम में दिखाई देगा। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। कल से ही एक जिज्ञासा बनी हुई है कि ये जो शून्य में अपने को देखते हैं, अपने सह अस्तित्व को, इसका उद्देश्य और हमारे इस प्रयोजन में, ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन में कितनी इसकी आवश्यकता या भूमिका है। दूसरा, जब हम करुणा, प्रेम और सत्य की बात करते हैं, तो प्रेम और करुणा का तो समझ में आता है, कुछ उस तरह का भाव भी लगभग बना हुआ रहता है, अब पहले तो रहता ही नहीं था। तो ये सत्य को मैं नहीं समझ पा रहा, तो ये सत्य दोनों मतलब सहस्तित्व,
तो अभी जो हम लोगों ने चैप्टर 16 में डिस्कस किया, सत्य को ही डिस्कस किया जी, कि प्रकृति किस प्रकार से में संपृक्त है। तो ये जो सह अस्तित्व है मेरा और प्रकृति इसका शून्य का, इसको सत्य कह रहे हैं जी। सह अस्तित्व को ही शून्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो शून्य में अपने सह अस्तित्व को जानने का, इसके अनुभव करने का काम करने का मकसद ही है क्या, कि सत्य को जानना जी। तो सह अस्तित्व को देखने का अभ्यास कर रहे हैं ताकि सत्य को जान पाए, और सह अस्तित्व ही सत्य है। अच्छा, और इसको जानने के साथ ज्ञान पूरा होता है। इससे पहले जो भी ज्ञान है वह अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए ध्यान देते हैं। अच्छा, तो दूसरी जी भैया, स्पष्ट हुआ जी, आभार भैया जी, बढ़िया भैया। भैया मुझे कुछ शेयर करना था कि पहले तो ये ज्ञान ही नहीं था कि शून्य है भी कुछ, और अब जब ये ज्ञान आया है तो जो भी कुछ, जैसे कल्पनाशीलता में जो भी कुछ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली तो मैं फील नहीं कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि शून्य है, देख पा रही हूँ ये भी एक रॉन्ग वर्ड है, मतलब कल्पनाशीलता में चल रहा है कि शून्य है, शरीर भी शून्य में है, मैं भी शून्य में हूँ, सारी इकाइयां शून्य में है। तो जब उस गहराई को उतरते तो मुझे सिर्फ शून्य शून्य ही नजर आता है, शून्य शून्य ही नजर आता है, और हर एक चीज में शून्य नजर आता है, मैंने आर पार घिरा, ये जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो वाकई मुझे नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि कैसे सब कुछ स्वयं नियंत्रित है, व्यवस्था में है, और मतलब ये सब चीजें सिर्फ कल्पनाशीलता में चलती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो जितनी देर मैं अभ्यास में बैठ रही हूँ, या जितनी देर मैं आंखें बंद करके उसको फील करने की कोशिश कर रही हूँ, देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मुझे ऐसा दिखता है, पर उसके आगे कुछ नहीं है। जब आंख खुलती है तो फिर सब जैसे नॉर्मल है वैसे ही दिखता है, ठोस चीजें ठोस ही दिखती हैं, उसमें कोई ऐसा गैप या शून्य नहीं दिखता। तो ये एक चीज मुझे शेयर करनी थी जी। ठीक बात है, तो अभी हम कल्पनाशीलता में ही उसको एक तरह से पहले तो विश्लेषित करने का अभ्यास करें कि शून्य सर्वव्यापी है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, है ना। तो फिर उसके साथ फिर हम जो भी वस्तुओं को देख रहे हैं उनको उस विश्लेषण के साथ देखने का अभ्यास करेंगे। तो दूरी को तो हम पहले से देख रहे थे कि दो काई के बीच में दूरी है, उसको शून्य के रूप में पहचाना उस दूरी को। उसके बाद आगे जाकर ये जो हम कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है, हर इकाई के भीतर भी है, हर इकाई के बाहर भी है, उसको विश्लेषित करते हैं। फिर जब इकाइयों को देखते हैं उस विश्लेषण के साथ देखते हैं, तो ये अवेयरनेस हमारी बनी रहती है। परंतु उस वहां तक देख पाने की जो अपनी और तैयारी होनी है वो शेष रह जाता है, तो उसको पूरा करेंगे। इनफैक्ट इस संबंध के भाव को स्वयं में स्थापित करना उसका एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, व्यवस्था के भाव को स्थापित कर पाना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो हम जब सहस्तित्व को देखने जा रहे हैं, शून्य को देखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से जहाँ खड़े हैं कल्पनाशीलता में वहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये जो संबंध को देखना है इसको पूरा किए बगैर वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी यहां से ही आगे बढ़कर हम उसको देख पाते हैं। तो अभी संबंध को समझने का, संबंध को देखने का, व्यवस्था को समझने का, व्यवस्था को देखने का, उसको जीने का, ये अभ्यास अभी हमें करना शेष है। इसको अगर हम कर पाते हैं तो फिर हम हमारी दृष्टि वहां तक भी जाती है। भैया ये जो संबंध है, व्यवस्था है, और जो सत्य है वो दिखता है, पर पर इसको कैसे शब्दों में बताएं कि वहां पर जब ये देखना शुरू करते हैं तब ये सब घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता कि क्या देख रहे हैं, सत्य देख रहे हैं या हम उसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। हाँ। कल्पनाशीलता में कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। बिल्कुल अभी वही रहता है ना। तो कल्पनाशीलता हाँ। के दायरे में ही हम जो कुछ कर पाते उतनी उपलब्धि हो पाती है। जब चिंतन को सुनिश्चित कर पाते हैं, बोध को सुनिश्चित कर पाते हैं, तब फिर कहेंगे दिख रहा है। उससे पहले तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कल्पनाशीलता में ही कुछ। हाँ, मतलब जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उससे शब्द पकड़ भी नहीं आते तब, उस समय कि सत्य है कि व्यवस्था है कि संबंध है, ये नहीं पकड़ में आता, पर वो कल्पनाशीलता में चलता रहता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, कल्पनाशीलता में चलता रहता है ना। उसको अब हम
संबंध के रूप में, व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, या उसके अन्यथा जो कुछ माना हुआ वो भी हम देख सकते हैं कि हाँ अभी कुछ अन्यथा चल रहा है हमारे अंदर जो है नहीं, उसको हमने मान लिया है, ये भी देख सकते हैं। तो भैया इसके लिए जो तैयारी आप बता रहे हैं, तो वो तैयारी किस तरह की तैयारी है, क्या करना होगा उसके लिए? जो अभी कर रहे हैं तो हम एक एक शब्द के अर्थ में जा रहे हैं, उसको विश्लेषित कर रहे हैं, उसको चित्रित कर रहे हैं, उसको जी कर देखने का अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए भागीदारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी आप पाएंगे कि जब हम शून्य की बात भी करते हैं ना, तो हमें लगता है कोई आस्वादन की वस्तु है, जैसे जड़ इकाइयों के रूप का आस्वादन होता है वैसे ही शून्य का भी आस्वादन हो जाए। तो चूंकि हमारा ध्यान देने का अभ्यास इसी क्रम में है, तो हम कुछ आस्वादन के स्तर पर विचार करना शुरू करते हैं, कुछ आस्वादन हो जाए ऐसा जिसे पता लग जाए। परंतु ये हमको नहीं दिखता भी कि हाई लेवल एक्टिविटीज में जो हम देख रहे होते हैं शुद्ध दृष्टा के रूप में, तो किस प्रकार दिखाई देता है। तो ये एक आगे की स्थिति है, और उसमें हमको स्वयं में चिंतन बोध को और अधिक जागृत करने की जरूरत है, ताकि उसके लिए तत्परता बन पाए। नहीं तो अभी हम आस्वादन के स्तर पर ही चीजों को देखने का अभ्यास कर रहे होते हैं, और उसी को विश्लेषित कर रहे होते हैं, और उसी से हम उसको भी एक उपलब्धि के रूप में सुनिश्चित करने का अभ्यास कर रहे होते हैं, वो होता नहीं है। वो भी भैया एक थोड़े समय के लिए एक्साइटमेंट बन के रह जाता है, पर वो रियल लाइफ अभी तक उतरना नहीं हुआ है उसका। जी वहाँ भी आप देखे ना, जब हम इसको देखने का भी अभ्यास करें, हमारे अंदर भाव क्या बन रहा है कि काश दिख जाए फिर सबको बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं उस वक्त नहीं भैया ये वाला भाव आता, उस वक्त लगता है बह रहे हैं बस, मतलब अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है, और बहुत ही अद्भुत वाला फीलिंग आता है, पर वो रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन नहीं हो पाता उसका। तो रियल लाइफ में फिर जैसे हैं वैसे ही, मतलब जो कोई नेचर में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। तो वही अभी हमको रियल लाइफ वही लगता है जहाँ पे रूप गुण परिवर्तन हो रहा है, उसमें तो लगता है रियलिटी है ना। अभी एक सामान बना हुआ है, उसमें क्या बात किया जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, अभी हमको ऐसा लगता है। बढ़िया दीदी, अच्छी बात यह है कि हम सभी एकाग्र होते जा रहे हैं उस चीज को देखने के लिए, उसको हम देखें। थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, इसमें लिखा है कि शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ, तो ये तो शून्य को ही नहीं समझ पा रहा था मैं अभी, मतलब आ ही नहीं रहा है, तो किस माध्यम से मैं अपने शरीर में कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ? वही तो पहले मैं देखूं कि मैं शून्य में हूँ, फिर देखूं कि शरीर भी शून्य में है, तो ये दोनों चीजों को अगर हम देख पाएंगे तो आदान प्रदान को भी देख पाएंगे। अभी तो अपने को शून्य में देखने का अभ्यास करना है, वहां देख पाएंगे तो आगे चीजें भी दिखाई देंगी। तो भैया ये जो शून्य है, जैसे हम किसी फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं या हम किसी उसमें भेजते हैं, तो एक कण दूसरे कण या एटम को मतलब ट्रांसफर करता है कुछ वेव, तो क्या शून्य भी कुछ ऐसे ही है क्या? क्या जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होती, कोई सूचना भेजनी होती हवा के माध्यम से, तो वो हवा के माध्यम से अगर हवा ना हो तो हम शायद उस सूचना को भेज भी ना पाए, जब हम बात कर रहे हैं तो किसी फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ एक कण दूसरे कण को हिला रहा है तब आगे जा रहा है, तो क्या शून्य भी कुछ वैसे ही है क्या? कुछ नहीं नहीं वैसा ना कहें, इसको जैसा वैसा देखें, शून्य तो क्रिया शून्य है। देखिए इसमें कोई भी समतुल्य शब्द रखकर वस्तु रखकर देखने का अभ्यास करेंगे तो देखना रुक जाएगा। अभी ठीक है ना, अभी इकाइयों को देखने का अभ्यास है, उनको हम अभी देखें, इकाइयों के संबंध को देखें, इकाइयों की स्वयं व्यवस्था को देखें, फिर इसको आगे देखेंगे, है ना। अभी इसके लिए बहुत हड़बड़ी ना करें, क्योंकि इसके लिए जो तैयारी होनी है वो अभी शेष हो सकती है। अगर उतनी तैयारी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं फिर जड़ के समतुल्य रखकर, इकाई के समतुल्य रखकर, घटना के समतुल्य रखकर इसको देखने का अभ्यास करेंगे, उससे कुछ निकलेगा नहीं। तो भैया जी इसका अभ्यास, मतलब एक बार फिर से आपने बताया होगा, नहीं ध्यान में आया होगा मेरे, तो ये शून्य का अभ्यास हम कैसे करें, मतलब किस आधार को लेके या किस तरीके से करें कि हम उसके कुछ समीप पहुंच पाए या देख पाए? देखिए पहले तो आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा ना मैं शून्य में हूँ, तो अभ्यास यहाँ शुरू करिए कि मैं हूँ, तो अपना होना पहले दिखाई दे, तब तो शून्य में होना दिखाई देगा।
तो अभी हमको अपना होना भी स्पष्ट नहीं रहता है, हम अपने आप को शरीर माने रहते हैं। तो जब मैं यही नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मैं शून्य में हूँ कैसे देख पाऊंगा? तो अभ्यास की बात तो ये है, शुरुआत की बात तो है कि मैं हूँ इसको देखूं। अच्छा, मैं हूँ और मैं शरीर से दूर हूँ। हाँ, अगर मैं इसको महसूस कर लूं कि मैं हूं और मैं शरीर से दूर हूं। महसूस करने का मुद्दा नहीं है, देखने का मुद्दा है। महसूस अच्छा। तो फिर हम कुछ ना कुछ विचार करके कर लेते हैं। अच्छा, मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर पाऊं या देख पाऊं कि मैं शरीर से दूर हूं। जी, तो तब मेरे ख्याल से मैं शून्य को भी देख पाऊंगा, ऐसा? अभी इतना करें पहले। तो देखिए, अभ्यास एक और दो के जो इनिशियल स्टेप्स है ना, उसको हम पहले ऑब्जर्वेशन में पूरा कर पाए, तब तो उसके आगे कुछ काम बन पाएगा। जी जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया। तो भैया, मैं कल भी अपनी शेयरिंग रखना चाह रहा था, एक थोड़ा सा देर हो गई, मुझे लगा कि शायद बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि चलिए आज रखता हूँ। कल जो चर्चा चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा उसमें विरोधाभास हल्का सा मुझे दिखाई दिया, उसमें आपकी क्लैरिटी चाह रहा था मैं। जी, तो उसमें ये था कि आपने बताया कि सारी इकाइयां जो है उनका आपस में एक दूसरे से संबंध है और एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ फिर ये बात आ रही है कि हमको दूसरे से प्रभावित होकर अपना भाव नहीं बिगाड़ना है। मतलब पहला वाक्य तो ठीक कहा आपने, दूसरा हमने ये नहीं कहा कि प्रभाव पड़ता ही है। जी, बट ठीक है, परस्परता में है, पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, इतना बात तो ठीक है। जी, तो मतलब तो, प्रभावित नहीं होना है, मतलब उससे प्रभावित होके अपना भाव नहीं बिगाड़ना है। तो इससे कब, मतलब बिना प्रभावित हुए कैसे रहे, मतलब ये थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब प्रभावित ना हो, लेकिन सामने वाले का व्यवहार अगर सही ना हो तो उसका प्रभाव पड़ता है और मेरा भाव बिगड़ता है। और मैं काफी दिनों से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, काफी मतलब मुझे घर पे भी बोलने लगे हैं सभी परिवार वाले, इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इसमें कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस चीज को। अगर कोई सामने वाले का व्यवहार खराब हो तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, और कई मतलब कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता हूँ, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता जरूर है। ये कब कैसे इससे उभर पाएंगे, मतलब वो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपसे इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, तो दूसरे का कोई व्यवहार है, ठीक व्यवहार नहीं है, तो उसकी सूचना मुझे मिलती है। जी, है ना, उस सूचना को मैं कोई अर्थ देता हूँ, तो प्रभाव को यहाँ तक देखेंगे, सूचना मुझ तक पहुँचना, तो ये तो होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जो मैं अर्थ दे रहा हूँ, उस अर्थ को मैं समझ के आधार पर दे रहा हूँ या मान्यता के आधार पर, फिर उससे मेरा दुखी सुखी होना तय होता है। हाँ। तो अगर मुझे दिखाई दे कि दूसरा व्यक्ति नासमझ है, परेशान है, इसलिए ऐसा कर रहा है, उसकी कोई बहुत गलत मान्यता बन गई है, बहुत गहरी मान्यता बन गई जिसे निकल नहीं पा रहा, इसलिए ऐसा कर रहा है, जी। तो मेरी स्थिति एक प्रकार की होगी। परंतु यदि मैं मान लूं कि नहीं, ये समझ कर ऐसा कर रहा है, तो फिर मेरी स्थिति दूसरे प्रकार की होगी। तो मैं उसको, उसके व्यवहार को अगर नहीं समझ पाऊं तो मैं प्रभावित होता हूं, समझ पाऊं तो अप्रभावित रहता हूं। जी जी जी, तो कई बार लेकिन बिना प्रभावित हुए, जैसे आपने जब बताया सारी इकाइयों का जो है एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है और प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सारा का सारा मुझे तो लगता है कि जितना भी ये हमारा क्या बोलते हैं ज्योतिष विद्या जो है, वो सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, जितने भी स्टार्स प्लैनेट्स हैं उनका भी असर पड़ता है, तो सामने वाला व्यक्ति। जी जी, जड़ इकाइयों पे जो प्रभाव पड़ता है वो निश्चित है। जी जी जी, या तो हम अब बिल्कुल जड़ हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, गड़बड़ी नहीं करेगा। हम तो चैतन्य हैं, तो जड़ तो हो नहीं सकते। जड़ इकाइयों पे जो परस्परता में प्रभाव पड़ रहा है वो निश्चित है, मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो मेरे मान्यता या समझ पे निर्भर करता है। जी, तो हमको ना तो जड़ होना है और ना हमको प्रभावित होना है, बल्कि हमको समझना है, देखना है। जड़ होने से मतलब मेरा है कि जड़ की तरह या तो व्यवहार करें तो तब तो प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, उसमें भी हम सुखी हुए कि नहीं, तो नहीं हो पाएंगे सुखी, नहीं हो पाएंगे, वही बात आ जाती है फिर। हम सुखी तभी होते हैं जब हमको उस व्यक्ति के साथ संबंध और उसमें पूरकता दिखाई देती है। जी जी जी, कई बार तो ऐसा भी लगता है
जैसे सामने वाला कोई आ रहा है व्यक्ति, हम इसको जानते भी नहीं है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको देख के बड़ी अच्छी फील आती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, और कुछ से बिल्कुल बात करने का मन नहीं होता, कि ऐसा लगता है कि ये तो आप लगता है बड़ा अजीब सा बिहेव करेगा, ऐसा लगता है पहले से आप कुछ एज्यूम कर लेते हैं उसके बारे में, तो पता नहीं क्या ये प्रभाव है या क्या है, मतलब बिना बिहेवियर के भी कई बार ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कई बार फील होता है, कुछ लोगों के अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स आती है, कुछ लोगों के अंदर से बिल्कुल नहीं आती, वो नेगेटिव वाइब्स आती है। देखिए ये अपने अंदर नेगेटिव वाइब्स आना तो डिजायरेबल नहीं है ना, जी जी जी, बट व्यक्ति के रूप को देखकर, व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम उसका मूल्यांकन तो कर ही पाते हैं, जी जी, हमको ये तो दिखता है कि इस व्यक्ति की समझ की स्थिति क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अगर संवेदनाओं से सुख पाने में ही पूरा लिप्त है तो उसका पूरा रंग रूप है ना, उसके आचरण को देख हम कह पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पूरा संवेदनाओं में डूबा हुआ है, तो व्यक्ति अगर वैसा नहीं है तो भी हम कह पाते हैं, तो अगले व्यक्ति से पूछे बगैर हम उसके शरीर को देखकर, उसके द्वारा प्रयोग की गई सुविधाओं को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके कार्य को देखकर, उसके बारे में बहुत सारा मूल्यांकन तो कर ही पाते हैं, उतना तक ठीक है, बट यदि हम उससे प्रभावित हो जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो अगर हमें दिखता है कोई व्यक्ति बिल्कुल इसी प्रकार का है तो उसके प्रति हमको और जिम्मेदार होना पड़ेगा। इनफैक्ट करुणा के भाव के साथ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति में समझ का अभाव होता है तो जितना ज्यादा अभाव होता है हमारे अंदर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी का भाव बनता है, ठीक, बजाय कि हम उसको ड्रॉप कर दें, बजाय कि हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, और जिम्मेदार हो जाते हैं, जी जी, हम और प्रोएक्टिवली काम करते हैं, जी जी। हाँ कई बार वास्तविकता बिल्कुल अलग निकलती है, कई बार लगता है कि नेगेटिव वाइब्स जिस आदमी को चेहरे को देख के आई, बाद में जब उससे बात करते हैं तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है जो मैंने सोचा था, मेरी अजम्पशन बिल्कुल गलत थी इनके बारे में, और वो तो बहुत, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में उनसे बहुत अच्छे रिलेशन भी हो जाते हैं कई बार। वही तो, हमारे मानने में बहुत कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो हमने जांचा नहीं है। जी जी जी, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया भैया। भैया जैसे मैं एक छोटी सी चीज देखना चाहता हूँ कि शून्य है, शून्य एक साम्य ऊर्जा है, शून्य में यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट्स की, यूनिट्स के अंदर भी शून्य है, यूनिट्स के बाहर भी, नहीं यूनिट्स के, यूनिट्स में भी शून्य है ना, तो अगर एक यूनिट्स दूसरी यूनिट के साथ परस्परता में निर्वाह कर रही है तो ये जो निर्वाह करने की ऊर्जा है ये कहां से आई, यूनिट के मतलब चैतन्य से आई या जड़ से आई या शून्य से ली? अब हम कहते हैं शून्य देगा नहीं ना लेगा, क्योंकि सामने ऊर्जा है, तो ये थोड़ा सा एक डाउट था भैया, ये ऊर्जा कहां से आई, जो मतलब मान लीजिए मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ तो वो इंटरेक्शन में जो ऊर्जा है, विचार की ऊर्जा है, वो ओरिजिन कहाँ से हुई, मतलब सेल्फ से हुई या किसी जड़ पदार्थ से हुई? सेल्फ में भी ऊर्जा है, आपके शरीर में भी ऊर्जा है ना, और जड़ इकाइयां हैं जैसे हवा है आपके और मेरे बीच में, आपके और मोबाइल के बीच में, मोबाइल में वहां भी ऊर्जा है, तो ओरिजिनेशन का मुद्दा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अस्तित्व है ना कि ये कोई क्रिएशन है, तो हमेशा से था है और रहेगा, ये ऊर्जा हमेशा से थी है और रहेगी, तो जड़ इकाई में भी ऊर्जा है, चेतन इकाई में भी ऊर्जा है, और इसके ऊर्जित होने के आधार में शून्य है, तो कहां से आई का मुद्दा नहीं है, आप ऊर्जित हैं ही, जी, आप या तो सही विचार करें या गलत विचार करें, ऊर्जित तो रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्रिया रुक जाए, चलती ही रहती है, मतलब विचार के लिए जो ऊर्जा है वो तो है ही, जी, और ये ऊर्जा है शून्य के सापेक्ष, मतलब शून्य में ही नहीं, आप में है, शून्य के अस्तित्व में, शून्य आधार में, शून्य के आधार में मेरे कॉन्शियसनेस में है, जिसका इंटरेक्शन मेरी जड़ पदार्थ आप में है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस में भी क्यों कहें, आप में है, तो आप मतलब भैया मैं तो वही हूँ ना, सेल्फ और बॉडी, मतलब मैं एक चैतन्य और जड़ पदार्थ तो हूँ, तो आप तो, हाँ आप जब कह रहे हैं तो मैं को कह रहे हैं, कॉन्शियस एंटिटी कह रहे हैं, अच्छा कॉन्शियस यूनिट को कह रहे हैं, ठीक 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 है, मतलब मुझे जो डाउट थोड़ा सा लग रहा था वो यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है कि जब हम मान लीजिए मैंने अपना विचार आप तक रखा, आपने मेरे विचार को ग्रहण किया,
तो इस विचार को ग्रहण करते समय मेरी जो ऊर्जा थी वो आप तक पहुंची है ना, और वो जो ऊर्जा मेरी आप तक पहुंची इसका जो मेजर सोर्स है वो ऐसा तो नहीं कहीं शून्य के शून्य से हम ले रहे हैं और फिर शून्य में दे दे रहे हैं, तो मुझे मुझे वो फिर कंट्राडिक्शन हुआ क्योंकि शून्य तो सामने है, शून्य तो बना हुआ है ना, वो लेगा ना देगा, ना लेने देने का कोई मुद्दा नहीं होता। तो ये ऊर्जा वही मेरा फिर भैया वही प्रश्न थोड़ा सा अधूरा से रह गया, आप कहें तो मैं बाद में कॉल कर लूंगा आपको, कॉल करके पूछ लूंगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं इसको अभी एक बार कंटेंट को देखता हूँ, गौरव जी का भी हैंड रेज है, या तो इस पे अलग से ही बात कर सकते हैं या कल भी बात कर सकते हैं। भैया एक प्रश्न आ रहा था बीच में, जब कभी अभ्यास करते हैं तो ऐसा भी होता है कि मैं जो हूँ अपने अलग अलग विभिन्न अंगों पर भी ध्यान दे लेता हूँ, पता चल जाता है इस बारे में कि जो अलग अलग अंग हैं तो उन पर भी थोड़ा सा मतलब मैं अलग एक फोकस दे लेता हूँ, तो ये जो मैं और चैतन्य और जो शरीर है ये जो सह अस्तित्व है तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, तो ये मैं आखिरकार फिर शरीर के अंदर है कहाँ पर, क्या ये चलता रहता है अंदर ही अंदर ये जो मैं फोकस दे ले रहा हूँ? आप शरीर के साथ बने हुए हैं और पूरे शरीर को संरक्षित किए हुए हैं, शरीर को जीवंत बनाए हुए हैं, तो आप शरीर के साथ हैं, शरीर का जितना आकार का फैलाव है ना उतने में आप फैले हुए हैं, और तो, उतने में फैले हुए हैं क्योंकि शरीर पूरे शरीर को संरक्षित करने का भाव है जी। तो भैया जो जैसे ऑरा दिखता है हमें कभी कभी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो किसी भी व्यक्ति का ऑरा दिखता है, तो क्या वो जो ऑरा दिखने का मतलब ये हमें होता है कि मतलब जो मैं है अंदर जो चलता हुआ जा रहा है शरीर के चारों तरफ वो उस चीज का एक आभास होता है? देखिए यहाँ पे ऑरा भी इसको कह रहे हैं वो देखने की बात जी, तो जब हम दूसरे की ऑरा को देखने की बात कह रहे हैं तो उसका कहीं हमारे अंदर आशय ये है कि हम आंखों से कोई रूप का आस्वादन कर रहे हैं, दूसरे का ऑरा देख रहे हैं, तब तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि चैतन्य का ही तो आंखों से रूप में आएगा नहीं है ना, बट यदि हम उसको किसी प्रभाव के रूप में देख रहे हैं तो फिर हम कुछ विश्लेषित करके एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है तो उसके प्रति जो हमारे अंदर स्वीकृति है उसको कई बार हम ऑरा के रूप में रख देते हैं, जब हम दूसरे को देख रहे हैं तो ऑरा जैसी वस्तु तो रूप के अर्थ में तो आस्वादन में आएगा नहीं है ना, उसको हम किसी रूप में विश्लेषित कर रहे हैं आदि। अपने को अगर हम देखें तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरा फैलाव क्या है, तो अब ऑरा एक वर्ड है जिसको कई प्रकार से लोगों ने प्लेस किया है ना, उसको या तो जो आपका फैलाव है पूरे शरीर में उसको भी कोई कह सकता है, या आपकी जो श्रेष्ठता है ना वो जब दूसरे तक पहुंचती है भाव के अर्थ में उसको भी कह सकते हैं, तो इसलिए ये शब्द थोड़ा सा है ना अनक्लियर सा रहता है हमारे संवाद में कि है क्या, तो हम देखें तो चैतन्य का ही है, चैतन्य का ही पूरे शरीर को संरक्षित किए हुए पूरे शरीर में फैली हुई है, चैतन्य का मतलब आप मैं पूरे शरीर में फैले हुए और उसके साथ शरीर के प्रति जिम्मेदार बने हुए हैं, इसको हम अपने बारे में देख पाते हैं दूसरे के बारे में भी देख पाते हैं। थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, तो अभ्यास एक में अगर सारे स्टेप्स को देखें तो स्टेप वन में मैं स्वयं चैतन्य के द्वारा स्वयं को स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को यानी भाव विचार को देख पाता हूँ, स्वयं में सहज भाव यानी स्वभाव यानी मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाते हैं, हम इन भावों की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, इन सहज भावों के साथ हम संगीत में आराम में रहते हैं सुखी रहते हैं, मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार पूरी तरह से मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो इस बात के साथ हम दूसरे के प्रति जो शिकायत बना रहता है उससे निकल पाते हैं, अपने परिमार्जन के लिए सुधार के तत्पर हो पाते हैं। स्टेप फाइव में हम इस बात को देख पाते हैं कि निर्णय लेने का आधार क्या है, समझ है या मान्यता है, तो जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही सहज भाव का निर्णय कर आराम में रहते हैं, जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आराम में रहेंगे या परेशान होंगे, इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो स्टेप सिक्स में हम अपने आप से पूछते हैं हमें कौन सा भाव स्वीकार है, संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का,
तुमको दिखता है कि संबंध व्यवस्था सहस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार होता है, इसलिए इसको स्वयं में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये निर्णय हम कर पाते हैं, ये समझना मेरी मूल आवश्यकता है। स्टेप 7 में इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था सहस्तित्व के अर्थ में सुनिश्चित कर पाते हैं और वैसे ही हर क्षण कर पाते हैं। तो संबंध व्यवस्था सहस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप से इसी अर्थ में होता है और हम निरंतर सुखी होते हैं। ये सारा हमने अभ्यास 1 में अभ्यास किया था, निष्कर्ष ग्रुप में इतनी बात थी। अभ्यास 2 में हमने ये देखा कि मैं चैतन्य हूँ, शरीर है और जड़ है और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मेरे और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं होता। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। मैं संवेदना से दूर होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच में दूरी है इस बात को मैं देख पाता हूँ। फिर बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, मैं ना उसे निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ। फिर उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह करता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आधार में क्या है, समझ है या मान्यता है। फिर स्टेप 6 में हमने ये देखा था कि बाह्य परिस्थिति का शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है और जो मेरा निर्वाह होता है तो प्रतिक्रिया पूर्वक हो सकता है या जिम्मेदारी पूर्वक हो सकता है। प्रतिक्रिया पूर्वक हो रहा है तो प्रतंत्र है, जिम्मेदारी पूर्वक हो रहा है तो स्वतंत्र है। जब प्रतिक्रिया पूर्वक होता है तो मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ और मैं अपने संस्कार जो मान्यता आधारित है उसके साथ जोड़कर अर्थ दे रहा हूँ, ये अपने आप में दिखने की बात है। फिर मैं उससे प्रभावित होता हूँ, फिर मैं अपने विचार भाव को बिगाड़ता हूँ, दुखी होता हूँ, कभी एक्साइटेड होकर सुखी भी होता हूँ, बट मेरा जो निर्वाह होता है वो प्रतिक्रिया के रूप में होता है और वही मैं प्रस्तुत करता हूँ। जिम्मेदारी पूर्वक जब मैं निर्वाह कर रहा हूँ तो मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ और मैं अपने स्वभाव जो निश्चित भाव है उसे बने रहते हुए मैं सुखी बना रहता हूँ। बाहर से आने वाली संवेदना से मैं अप्रभावित रहता हूँ। संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना, दूसरे का व्यवहार कार्य, इसका मैं आकलन करता हूँ। फिर दूसरे का व्यवहार कार्य, कोई बाहरी घटना जैसे ध्वनि शब्द अर्थ है ना, ध्वनि शब्द इसका मैं आस्वादन कर रहा हूँ, फिर उसको मैं कोई अर्थ दे रहा हूँ। फिर दूसरे के व्यवहार कार्य भाव के बारे में मेरा एक आकलन बनता है। वैसे ही यदि कोई बाहर की बहुत ही रासायनिक घटना है उसका शरीर प्रभाव पड़ता है, कोई संवेदना मिलती है, उसके बारे में मेरा आकलन होता है। मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन करता हूँ तो एक भाग में तो जो दूसरा है, तो दूसरा यानी बाहर, शरीर से बाहर तो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बहुत ही रासायनिक वस्तु भी हो सकती है, तो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसका मैं आकलन करता हूँ। वैसे ही शरीर के भीतर देखें तो मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन करता हूँ, शरीर में कोई घटना है, कोई संवेदना है, के बारे में आकलन करता हूँ। इस आकलन के आधार पर मैं पूरकता का निर्वाह करता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुतता हूँ बिना प्रभावित हुए। ये हम लोगों ने स्टेप 6 तक देखा था। स्टेप 7 में हम लोगों ने आगे बढ़कर शून्य में अपने आप को देखने का अभ्यास किया और उसमें भी बहुत सारा चीज अपने को अभी लगता है कि देखना शेष है, उसके लिए तैयारी और होनी है ना, ये आगे की परिस्थिति है। तो मेरा होना शून्य के संस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के संस्तित्व में बना हुआ है, मैं आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता हूँ शून्य के माध्यम से। यह काम आवश्यकता अनुसार सामूहिक रूप से करता हूँ न कि निरंतर, और शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन के रूप में बना हुआ है, ये बात मैं देख पाता हूँ। तो अभ्यास 1 में हम भाव के प्रति सजग हुए, भाव में परिमार्जन के लिए अभ्यास किए। अभ्यास 2 में हम मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं के अस्तित्व के बारे में सजग हुए और जो भी सूचनाएं मुझे शरीर के माध्यम से मिल रही है उसको मैं कैसे समझ के आधार पर सही अर्थ दूं, इस बात को हम देखने समझने का प्रयास किए। और आखिरी स्टेप में अपने आप को शून्य में देखने का और इस देखने के साथ आगे कैसे जीना होगा सत्य प्रेम करुणा के साथ, उस पर हमने ध्यान दिया। एक लंबा काम है परंतु इसमें समय कितना लगेगा ये हम सबकी अपनी तैयारी पर निर्भर है। एक बार हमारे को ये दिखने लगे कि ये जरूरी काम है, आवश्यक है, अनिवार्य है तो देख पाएंगे कि नहीं। बढ़िया। जस्ट मेरा को जो क्वेश्चन था सर, जो डिस्कशन चल रहा था कि सेल का जो फैलाव है
तो मतलब सारी शरीर का जहां जहां मतलब जो आकार है इससे फैला हुआ है। तो लेकिन हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं अभी कहां भी है, तो आई एम एबल टू कनेक्ट द कंटेंट्स टू सी टू मतलब रियलाइज करते हैं। तो जहां जहां हमारा इमेजिनेशन वो जाते हैं तो ये जो सेल्फ का जो फैला मतलब हमारा इमेजिनेशन जहां जहां जाते हैं जिस जिस स्तर पर वो फैला लिमिटेड नहीं रहते। और ऐसा नहीं है, रुकिए, उससे तो बहुत बार बात हुई कि मेरा इमेजिनेशन जहां जाता है वहां मैं चला गया हूं, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैं बैठे बैठे यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं वहां पहुंच गया हूँ, वो कल्पनाशीलता की वस्तु बन गई है, मैं तो यही हूँ अपने शरीर के साथ। मतलब अगर मैं आज से 400 साल पुरानी घटी हुई कोई घटना पे अगर विचार कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पास में चला गया हूँ, मैं तो यही हूँ। मेरी कल्पनाशीलता की वस्तु बदलती रहती है, कोई एक व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई लोकल परिस्थिति, कोई बहुत बाहर की परिस्थिति, ये तो सब कल्पनाशीलता की वस्तु है। मैं नहीं पहुंच गया हूं। मैं तो चैतन्य इकाई के रूप में शरीर के साथ बना हुआ हूं। वो तो ठीक है सर, लेकिन तो वो जो सेल्फ का जो कंटेंट्स है तो इमेजिनेशन है ना, तो इसलिए हम आप जो शेयरिंग अब कर रहे हैं तो हमारा जो अभी कहाँ से जुड़ रहा है, आपका साथ जुड़ रहा है, तो वो सेल्फ का तो कनेक्टिंग है ना सर। हाँ, तो आप यहाँ मेरे पास पहुंच गए ऐसा नहीं, आप तो अपनी जगह है, बट अभी हाँ। आपके अंदर जो विचार चल रहा है वो मेरे द्वारा रखे गए किसी शब्द के अर्थ को लेकर चल रहा है, तो विचार की वस्तु बनी, कल्पनाशीलता की वस्तु बनी। आप वास्तविकता के रूप में तो वही है जहाँ शरीर है। ठीक है, शरीर है, लेकिन मेरा जो अभी क्या स्टेट है, आपका जो कनेक्ट करते हैं तो वो सेल्फ तो कनेक्ट इतना दूर से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम कुछ समझ पा रहे हैं। जी, तो कनेक्टेड हैं ये ठीक है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। yes. कभी यंत्रों का प्रयोग कर, जैसे मोबाइल जैसे यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्ट तो ठीक है, बट वास्तविकता के रूप में आप उड़ीसा में हैं, मैं है ना कहीं दिल्ली NCR में हूँ, तो स्थान के रूप में देखें तो स्थान में आप भी सीमित हैं, मैं भी सीमित हूँ, मैं एक स्थान पे हूँ, आप दूसरे स्थान पे हैं। मतलब इसलिए हम जब बोल रहे हैं सर ये ठीक रहेगा और नहीं है सर बोलिए, तो मतलब हम जो कनेक्ट करते हैं, मतलब जो चारी जो फोर्स जो चारी स्तर में हम लोग जहाँ जहाँ जीते हैं, अपने फैमिली सोसाइटी और नेचर, मतलब एंटायर जो एक्सपांड है, तो हमारा सेल्फ तो कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम चारी स्तर में वो हारमोनी में रहना का चाहते हैं ना। ठीक है ना सर, देखिए हारमोनी में रहना चाहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है, मेरी सहज स्वीकृति है। अब इन 40 सालों में हम हारमोनी में जिए कि नहीं जिए उसका आकलन करेंगे, बट आप स्थान के रूप में जहाँ शरीर था वहीं रहे, छोटे बच्चे थे तो भी, यंग हुए तो भी, है ना, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है तो भी, और आप कनेक्टेड है, उसी कनेक्शन को आप कहाँ तक देख पाए आपकी योग्यता पे निर्भर है। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्ते। भैया आज जो ये क्रिया शून्य और क्रिया शील की चर्चा है, तो जो शून्य है वो काम ऊर्जा है और क्रिया शून्य है, अब जो जड़ इकाई और चैतन्य इकाई है वो क्रिया शील है। अब भैया जो चैतन्य इकाई है उसको तो अच्छे ऊर्जा संपन्न कह रहे हैं, लेकिन जो जड़ इकाई है उसको अच्छे ऊर्जा संपन्न क्यों नहीं कह रहे हैं? मतलब मेरा तर्क यह है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रोटॉन की ओर लगातार चक्कर लगाते रहेंगे और उनका कोई झटका थोड़ी, वो तो हमेशा ही लगाते रहेंगे, तो उनको अच्छे ऊर्जा संपन्न क्यों नहीं कह रहे, और चैतन्य इकाई को कहते हैं अच्छे ऊर्जा, इसके थोड़ा सा बताएं। तो इसमें भी कह सकते हैं अगर हम वहां पे जाके देख रहे हैं, इससे नहीं कहते कि गठन में परिवर्तन होता रहता है, टूटना फूटना लगा रहता है, इसलिए उसको वो कहते हैं क्षय हुआ, यहाँ पे टूटना फूटना नहीं इसलिए कहते हैं अच्छा है, मगर क्षय हो चाहे ना हो, मतलब टूटना फूटना हो चाहे ना हो, इकाई बनी रहती है, उसमें ऊर्जा बनी रहती है, तो अगर हम उस रूप में देखें तो ऊर्जा बनी हुई है, परंतु टूटने फूटने के कारण कह रहे हैं कि क्षय हो रहा है, अदरवाइज क्षय फिर किसको कहेंगे। ठीक है। अच्छा भैया एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब से ये पूरा USB 3 चल रहा है
ये अभ्यास दो का जब से ये स्टेप सेवन आया है मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब जब तक स्वयं में देखना है, ठीक कहा है, संवेदना देख रहा हूँ, शरीर देख रहा हूँ, अपने को देख रहा हूँ, अपने विचारों को देख रहा हूँ, लेकिन जब से ये शून्य आया है तब से कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो भैया ये कोई एडवांस स्थिति है क्या, या ये आगे कहीं कवर होगा, इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जी देखिए, उसमें अभी हमारे देखने की योग्यता कहाँ तक बनी है उससे हम आगे की चीजों को देख पाते हैं। पहले भाव को देखना भी इतना मुश्किल काम लग रहा था क्योंकि विचारों को ही देख पा रहे थे, फिर तो और उससे पहले विचार भी नहीं देख पा रहे थे। आगे बढ़े, विचार को देखा, फिर आगे बढ़े, भाव को देखा। वैसे ही हम अपने में गति करते हुए धीरे धीरे शून्य को भी देख पाते हैं। अच्छा, मतलब आगे प्रयास पूर्वक आगे कभी ऐसा संभव होगा। जी जी, थैंक यू। बढ़िया भैया, चैट बॉक्स में हम दो मैसेजेस देख पा रहे हैं। एक मैसेज जो है वो आज जो फॉलो अप मीटिंग है स्टूडेंट्स एसआईपी की, जो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, उसकी है। तो हम में से जो भी साथी इस एसआईपी को मतलब अटेंड करना चाहते हैं वो लिंक को यूज करके जूम की लिंक प्राप्त कर सकते हैं या तो यूट्यूब के ऊपर भी उसको अटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो मैसेज है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब लिंक और वेबसाइट की मतलब एड्रेस अवेलेबल है। तो सभी का धन्यवाद। जी आज योग दिवस है, हम सभी योग जरूर कर लें आज। जी बहुत अच्छा रहेगा। सभी को नमस्ते।